हाय सन, हाय बड़ी, आदाब जनाब, आज आप तीनों घर पर ही हैं। नहीं पॉप, हमें आपसे कुछ कहना है। नो टाइम, मुझे तैयार होकर बाहर जाना है। वैसे आप जा कर रहे हैं? मैंने कभी किसी से पूछा है? पूछा ही है तो मैं डिनर पर जा रहा हूँ। कैंडल लाइट बाबूजी, सुनिए तो। पॉप, ये अचानक आपको हो क्या गया है? आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं बाबूजी? वो भगल वाली आंटी के साथ जा तो मैं उन्हीं के साथ रहा हूँ कैंडल लाइट डिनर के लिए। आप इस उम्र में ऐसी हरकत करेंगे, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। सोचा तो मैंने भी नहीं था मेरे बच्चों, मगर मुझे बहुत दिनों बाद पता चला कि माँ की कमी औलाद को निकम्मा बना देती है। अगर तुम लोग नालायक हो, उसमें कसूर तुम्हारा नहीं, मेरा है। मैंने तुम्हें बहुत दिनों तक माँ के प्यार से महरूम रखा, लेकिन अब नहीं, अब तुम्हें माँ का प्यार मिलेगा बहुत जल्द। मगर डैड, इस बात पर माँ की आत्मा को कितनी तकलीफ होगी, ये कभी सोचा आपने? यस पॉप, उनकी रूह बेचैन हो जाएगी। हाँ बाबूजी, ऊपर बैठी हमारी माँ कितना रोएगी जब ऊपर से वो अपनी सौत को आपके साथ देखेगी। अरे बच्चों, तुम्हारी माँ ने मुझे ऐसा करने को कहा था। माँ? लेकिन बाबूजी, वो तो ऊपर है। कल रात वो ऊपर से नीचे आई थी। क्या? क्या? अरे सपने में आई थी यार। अच्छा। पर बोली, मैं मर गई तो क्या हुआ? मेरे बच्चों को बिना माँ के रखोगे? आवारा बनने दोगे? दर दर की ठोकरें खाने दोगे? मैंने कहा नहीं। तो वो बोली, मेरे बच्चों के लिए एक माँ ला दो, मेरे बच्चों के लिए एक माँ ला दो। मैंने आज तक तुम्हारी माँ की कोई बात नहीं टाली, तो ये कैसे टाल सकता हूँ? मेरे बच्चों, मैं बहुत जल्द तुम्हारे लिए एक माँ लाने जा रहा हूँ। ओह, कैंडल लाइट डिनर का वक्त हो गया, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। अब वो दिन दूर नहीं जब कैलाशनाथ कौशल्या आंटी के गले में वरमाला डालेगा और बीबी के साथ साथ अपने बेटों के लिए तीन तीन बहनें भी लाएगा। हाँ। और बहनें भाइयों के लिए गाएंगी। हाँ। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटे। गाना तो तुमने रिमोट कंट्रोल से बंद कर दिया भाई, मगर ये बात हकीकत में हो गई तो क्या होगा? भैया, बाबूजी कितने लुच्चे निकले। अरे लुच्चे, आवारा, लफंगे, पता नहीं क्या क्या निकले यार। अब तो उन्होंने विग पहनना भी शुरू कर दिया है, जबकि उन्हें टोपी पहननी चाहिए। टोपी? ये टोपी हमें बचाएगा। कौन कौन टोपी? डॉक्टर टोपी वाला। मुंह खोलो। आंख थोड़ी कमजोर है। अरे डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। आपको पेशेंट कहां है? कैलाशनाथ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, ये हमारे डैड नहीं है, डैड ऊपर है। डॉक्टर आइए हमारे साथ। नो 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 नो, मुझे पेशेंट के सिम्टम्स पता है, मैंने लाइफ में ऐसे बहुत पागल देखे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, बाबूजी जैसा कभी नहीं देखा होगा। हाँ डॉक्टर, डैड की जरूरत से ज्यादा सटक गई है। अटक गई है? अटक नहीं डॉक्टर। प्लीज डॉक्टर, प्लीज हमारे पॉप को एक जिम्मेदार बाप बना दीजिए। डोंट वरी, ये जूनियर टॉप्स तुम्हारे पॉप्स को एकदम ठीक कर देगा। तुम लोग यहीं पे रहना है। क्या करो, जीते रहो, जीते रहो। डॉक्टर साहब, आपका ये बैग। इसकी जरूरत नहीं है, तुम ही रख लो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। टाकी, ओ टाकी, ओ टाकी, टाकी, टाकी रे, जब से तू आंखों में डक नकुर। लगता है पॉप को कोई नहीं सुधार सकता। I feel that fun, और what is good, Rahul Riya Prr। पॉप, बाबूजी, डैड। You talking to me? Yeah। जी। तुम लोग इतने सालों से बिना माँ के अनाथ थे। तो मेरा अनाथ बच्चों, बहुत जल्द मैं तुम्हारे लिए एक नई माँ लेकर आऊंगा। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है। अरे भैया, आंटी को मम्मी कहने के आदत डाल दो। भैया, राजू कहीं सच तो नहीं कह रहा? मेरे सामने वाली खिड़की एक चांद सा टुकड़ा रहता। मॉम, मम्मी, माँ, रोको नहीं, टोको नहीं, मुझे जाने दो, जाने दो। फगु माजी, गर्ल, आज से माजी आउट,
मैडम इन मैडम और आइंदा से मुझे टोको मत। मैं चली देर इज नो सोल्यूशन। दिमाग पे इतना जोर डालने का कोई फायदा नहीं, कोई रास्ता नहीं निकलेगा। रास्ता तो तब मिलता जब समस्या इस दुनिया की होती। ऐसे अजीबोगरीब हाथ से तो धरती पर नहीं होते। हाँ ऊपर किसी ग्रह पर होते तो पता नहीं, ऐसा टेढ़ा रिश्ता मैंने आज तक नहीं देखा। दिमाग से पूछा तो खिली उड़ा दी। कहता है ऐसा तो कोई इंसानी दिमाग सोच नहीं सकता कि हमारे ही प्रेमी का बाप हमारी ही माँ के साथ। छी 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 छी, बोलने में भी कितना अजीब लगता है। राजीव भैया, रणधीर भैया, यानी कि दुनियावी तौर पर हम लोग भाई बहन हो गए। ओए, ये बात जरूरी जुबान पे लानी। पाप है, ऐसा मत सोचना। लेकिन जिंदगी के सारे त्योहार तो अब खत्म हो गए, एक ही रह गया है, रक्षाबंधन। अबे रक्षाबंधन नहीं, बोल रक्षा भगवान। डैड, करना है तो करो मन की मुराद पूरी। सब खुश, मुझे तुम खुश, ऊपर भगवान जी। सारी लड़कियों को बहन बना दो, चलेगा। हाँ? इन तीनों को छोड़कर। हाँ। बख्श दो इनकी माँ को बाबू जी, बख्श दो। ऐसे बुढ़ापे में लोग ताजमहल में रोमांस करते हैं, दो दिन में खंडर तो हो ही जाएगा वो। डैड, आप हमसे हमारा ताजमहल ना ले, चाहे तो लाल किला रख लीजिए। रणधीर भैया, लाल क्या, हरा नीला पीला सारे किले रख लीजिए बाबूजी, लेकिन हमारा ताजमहल मत छीनिए हमसे। अरे आइडिया, इस घर में तो दुल्हन बन के मुझे ही आना है। अगर डैड ने आपको पसंद किया तो देख लेना, तुम्हारे पिताजी तो मुझ पे लट्टू होंगे। पर दूल्हा है कहाँ? बस थोड़ी सी देर और मैडम पॉप आने वाले हैं, आप अपने दिलों को शांत बैठिए। ये हमारे डैडी है, ये हमारे डैडी है, बैठिए बैठिए। आप ऊपर क्या कर रहे हैं, नीचे क्यों नहीं आए? जी वो बालों वाली टोपी पहन रहे हैं। बालों की टोपी? जी वो जी, इसका कहने का मतलब है कि बाबूजी अपनी विक सेट करके आए। देखिए अगर और देर हो गई तो मैं और टाइम ले लूंगी। नहीं नहीं नहीं, अच्छा अच्छा। पॉप, डैड, बाबूजी। माँ देखो तुम्हें कितने लोग मिलने आए। हाँ